एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक अनूपशहर में स्थित बड़पुरा गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने लक्ष्मण सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3000 की आबादी व 1400 वोटरों वाले इस गाँव के ब्लॉक से दूरी 15 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 40 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 60 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 26 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 7 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में 7 सीसी टाइल रोड, खडंजे, कुल में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 35 इज्जत घर व एक लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान बलपुरा ब्लॉक अनूपशहर तहसील अनूपशहर जिला बुलंदशहर से। मेरी तरह से सिर्फ एक ही मैं जाने के उनके लिए पहले नमस्कार और सभी के लिए प्रधानों के लिए ये संदेश कि अपने अपने गांव की समस्या मेनली हमारे गांव की समस्या सबसे बड़ी कि हमारा जो ये मेन रोड है और जो हमारे तालाब और ये किया है इस की तरफ कोई भी सरकार का विशेष ध्यान नहीं जा रहा है। और ये जो हमारी मेन रोड है इस पर पिछले 35 वर्ष से आज तक ना कोई काम हुआ है और ना ही कुछ अभी उम्मीद लग रही मुझको, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को डिमांड भी कर दी है, ऊपर तक भेजा भी है, लेकिन उसमें नहीं कोई मांग पूरी करी जा रही है। और हमारे बिजली के बारे में, बिजली हमारे यहाँ पर 5 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिनमें कि मात्र 3 चल रहे हैं, 2 अभी भी बंद पड़े हुए हैं। और खंभों की जो तारों की लाइनें हैं वो सारी की सारी जर्जर हुई पड़ी हैं, जिनके बारे में ब्लॉक उस पर बोलते हैं लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बिजली विभाग का सारा सिस्टम कोई भी समस्या है यहाँ पर सॉल्व नहीं करने की कोशिश की जा रही। और सभी मेरे प्रधानों से इसी तरह से मिलकर साथ करने के लिए सहयोग चाहूँगा। जिस यहाँ पर अभी तक पहली बार मैंने जितनी भी सीसी और इंटरलॉकिंग करी है वो गांव में पहली बार हुई है इसी वर्ष। 2 वर्ष में मैंने करीबन मिनिमम अपने यहाँ पर 6-7 रोड हैं तैयार किए हैं, जो कि गलियाँ करंजे सारे टूटे पड़े हुए थे जर्जर, सिर्फ इंटरलॉकिंग का काम और सीसी का मैंने ही इस वर्ष शुरू किया लास्ट बार अपनी योजना में। उससे पहले हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था और मैंने अपनी 6-7 रोडें जो तैयार करी हैं और स्कूल प्राइमरी जो कि बहुत गड्ढे में पड़ा हुआ था उसका भराव करके और उसको इंटरलॉकिंग पूरा टोटल पक्का किया है। आंगनबाड़ी और पूरे उनकी मेंटेनेंस कराई है सारी, जो शौचालय नहीं थे उसके अंदर और कोई भी सुविधाएं नहीं थी पानी की वो सारी मैंने स्वयं की हैं और स्वयं कराई हैं। खड़े होकर शौचालय आज हमारे यहाँ पर जो वर्क चल रहा है, पहले जो 25 कंप्लीट कर चुके थे हम और अगले 25 पर टारगेट पर काम चल रहा है और वो भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं अगले आगे को। मानदेय ये तो एक सिर्फ बहकाने के लिए दिया जा रहा है, 3500 रुपये में क्या प्रधान किसका तो किसको मेंटेन कर लेगा और किसके इससे वो कर लेगा, ये एक मानदेय वानदेय कुछ नहीं है, ये तो एक बहकावा और एक उसको उसकी तोहीन है। 3500 रुपये में 3500 रुपये का के लिए प्रधान जो प्रधान क्या करेगा उसमें, उसको तोहीन की जा रही है। ये बताइए कम से कम मिनिमम नौकर भी जो नौकरी ले रहा है वो भी 7-8 हज़ार से कम में नहीं आ रहा है, 7-8 हज़ार रुपये से कम में नहीं ले रहा गांव का नौकर भी हमारा। हमको 3500 रुपये में जो बेकार दिया जा रहा है ये तो हमारी एक सरासर बेइज्जती है नहीं है। उसके बाद कम से कम मिनिमम 10-15 हज़ार रुपये मानदेय हो जिससे मान सम्मान एक ऐसा लगे कि हाँ इसको मानदेय दिया जा रहा है, जिससे प्रधान का भी कोई बने और किसी के बारे में सोचे।